चलिए मैं बीएस मिस्ट मंडललाल बुनियाल ग्रुप संरक्षक, ये गढ़वाल सभा का जो चुनाव का सिलसिला पिछले 15 दिनों से चल रहा है और गढ़वाल सभा की 20 से 22 हजार जो सदस्य क्राइसिटी चंडीगढ़ के अंदर हैं और 3 ग्रुप इसमें भाग ले रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव अधिकारी के द्वारा हमें वोटर लिस्ट गढ़वाल सभा के पदाधिकारी के द्वारा हमें ये वोटर लिस्ट मिल चुकी है, लाइफ टाइम मेंबर और जो सदस्य हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सबके इसमें सदस्यता है। लेकिन 25/7 को गढ़वाल सभा चंडीगढ़ द्वारा श्री अरुण प्रकाश सहमवाल जो कार्यवाहक सचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें ट्राई सिटी के कुछ क्षेत्र, मोहाली के कुछ क्षेत्र इसमें मेंशन किए हैं, जुजारनगर, जामपुर, बड़माजरा, सिंहपुरा, जीबीपी, पीर मुचला, खरड़, बलौंगी, मुबारकपुर, ये जो क्षेत्र हैं ये इनके कार्य क्षेत्र से बाहर ये सदस्यता फाइल मिलने के 15 दिन बाद ये जो प्रेस नोट उन्होंने कल पेपर में दिया, ये पेपर में दिया गया। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जब चुनाव अधिकारी गढ़वाल सभा के इलेक्शन हैंडओवर कर लेता है उसके बाद कार्यवाहक पदाधिकारी प्रधान कोई भी हो ऐसे प्रेस नोट रिलीज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ये सदस्यता बना रखी है वो गढ़वाल सभा के कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ही बनाया गया है और जिन लोगों से सदस्य शुल्क लिया गया है इसमें जुजारनगर के नाम भी डाले गए हैं जिनको ये अमान्य अभी घोषित कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, या गढ़वाल सभा के कार्यवाहक कार्यकर्ताओं और इलेक्शन पदाधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं है जो कि इस प्रकार की प्रेस नोट रिलीज कर रहे हैं और गढ़ समाज को ऐसे मुद्दों में फंसा रहे हैं जैसे इन्होंने 9 साल तक गढ़वाल सभा के आपसी झगड़े में फंसा के रखा, क्योंकि इनको डर केवल इतना है जो हमारे पूर्व में कुंदनलाल उनियाल जी 2012 से 15 तक प्रधान रहे हैं,